You see this rhino now clearly. Hello everybody, Pragat here, and this video is about my trip towards Northeast. So Northeast is one of the most beautiful area in India. So I always wanted to explore the Northeast. So today I'm leaving for Northeast. So it's gonna be an happening trip, and this is a solo trip, a backpacking trip. So I'm gonna travel on budget. So it's 5 o'clock in the morning and it's time to catch my flight. So let's go to airport. So finally security check-in done, or I'll be waiting for boarding. So I booked my flight ticket from Happy Easy Go. It costed me 4,500 rupees. I checked on Skyscanner कि मुंबई से गुवाहाटी तक सबसे सस्ती फ्लाइट कौन सी दिन में है, और उसके बाद जब मैं Skyscanner पे वो फ्लाइट बुक करने गया तो Skyscanner के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दिए। अलग अलग वेबसाइट पे वही फ्लाइट का अलग अलग दाम था, उसके अंदर कई जगह पे कन्वीनियंस भी थी, कई जगह पे कन्वीनियंस भी नहीं थी। उसमें मैंने देखा कि हैप्पी इजी गो सबसे लोएस्ट फेयर दे रहा है। उसके बाद आई वेंट टू द हैप्पी इजी गो साइट, वहाँ पे मैंने खुद को रजिस्टर करके वो फ्लाइट बुक की, और मुझे वो Skyscanner का जो रेट था उससे भी और सस्ती है। So this trick you can use it in your upcoming flight booking. Got down at Guwahati International Airport. So finally I have reached to Guwahati Airport. Now from here अभी पल्टन बाजार जाना है जहाँ पे रेलवे स्टेशन है। So let's see अगर शेयर टैक्सी नहीं तो बस मिलती है क्या। So finally I got the bus. It is 90 rupees from Guwahati Airport to पल्टन बाजार, which is a Guwahati railway station. तो जो एयरपोर्ट से एसी बस निकलता है वो आपको यहाँ पे पल्टन बाज़ार के यहाँ पे छोड़ देता है। इट कॉस्ट यू अराउंड 90 रुपीज़, और यहीं पे पल्टन बाज़ार में यहाँ पे एक लॉक रूम भी है। तो मैंने मेरा जो बड़ा बैग है जिसके अंदर सब कपड़े हैं वो यहाँ पे रख दिया है। इट कॉस्टेड मी 20 रुपीज़। तो अभी मेरा 9 बजे का ट्रेन है। सो नाउ आई एम प्लानिंग टू विजिट द आसाम का जो बोटनिकल गार्डन है, चिड़ियाघर बोलते हैं जिसको, तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ आज के दिन विजिट करने का, बट उसके पहले मैं कुछ खा लेता हूँ। सो नाउ अभी मैं एक सिंपल से रेस्टोरेंट में आया हूँ, और यहाँ पे मैंने सिंस आई एम इन आसाम तो फिश मंगाया है। आई विल जस्ट शो इट टू यू। सो दिस इज़ अ फिश डिश, और ये चपातीज है, एंड पोस्ट आई विल टेक अ राइस, एंड दिस फिश डिश इज़ कॉस्टिंग मी 80 रुपीज़। सो इस मच्छी को आसामी में फारंग बोलते हैं। जो ग्रेवी है वो भी बहुत अच्छा है। सो नाउ आई एम डन विद द लंच, और अभी मैं गणेशपुरी जा रहा हूँ पहले, और वहाँ से बस पकड़ के आई विल गो टू आसाम जू। सो फाइनली आई हैव रीच्ड टू गणेशपुरी। इट कॉस्टेड मी 5 रुपीज़ टू रीच गणेशपुरी। अभी यहाँ से मुझे और एक बस पकड़ना है। सो आई हैव गॉट डन हियर, और आप ये आसाम स्टेट जू देख सकते हो। ओके सो नाउ विल गो इनसाइड द स्टेट जू। सो दिस वन इज़ लुकिंग लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, और यहाँ पे जो एंट्री फी है इट्स हार्डली 30 रुपीज़ पर पर्सन। सो इफ यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड, एंड इफ यू जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स, यू कैन कम हियर, एक्सप्लोर द जू, वॉच द एनिमल्स एंड जस्ट रिलैक्स। यहाँ पे तो बंदर ही बंदर है, आप देख सकते हो बहुत सारे बंदर इधर घूम रहे हैं। यू कैन सी ऑल दिस गोल्डन मंकीज। बिल्ली का बच्चा उठा लिया है इसने, मंकी ने, ये अपना समझ के लेके जा रही है। अरे ये बिल्ली का बच्चा है ना। अरे भाई बिल्ली का बच्चा है वो, छोड़ दे उसको। सो दिस इज लुक लाइक अ लेआउट ऑफ द जू। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यार गोल्डन लंगूर तो देख ही रहे हैं ऑलरेडी, अलग गिबन, लंगूर, लंगूर मंकी, सब बर्ड है, हॉर्नबिल है, वल्चर है, बियर भी है यहाँ पे, लेपर्ड है, ब्लैक पैंथर, रॉयल बंगाल टाइगर भी है। अच्छा यहाँ पे बहुत सारा देखने के लिए है। ओ चिंपैंजी भी है। यू कैन सी दिस गोल्डन पीजेंट, ब्लू एंड येलो मकाओ।
can see eagles here. White color ke hai. So this is a मगरमच्छ lake, but इसमें मगरमच्छ spot करना बहुत ही difficult है. You can see a black panther sleeping there. You can see the jungle cat. Time to see hippopotamus. बहुत गर्मी हो रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं पानी मिल जाए तो मैं भी तैरना स्टार्ट कर दूंगा. एंड इट्स अ लेपर्ड टाइम. You can see this beautiful leopard. So you can see a bear there. थोड़ा और नज़दीक से जाके देखते हैं उसको. अच्छा दो दो है. बियर्स को तो ऐसे ही खुलेआम छोड़ दिया है, तो कभी भी यहाँ पे जम करके आ सकते हैं. दिस बियर वेरी क्लोजली बस आराम से बैठा हुआ है, बोल दे रहा है. सो दिस इज अ लायन केज. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट द लायन क्योंकि जो जंगल है वो बहुत डेंस है. एंड इट्स टाइम टू सी रॉयल बंगाल टाइगर. You can see the rhino enjoying his food there. So you can see this rhino is moving into the water lag raha. You can see this rhino now clearly. So right now I'm just relaxing in the company of rhinos and deers and tigers. Okay, so it's an awesome zoo. And you can see the elephant here. After watching that beautiful elephant, I also saw a few deers, and उसके बाद I saw the great king cobra. Chimpanzee. So it's time to go to Paltan Bazaar. So I have reached to Guwahati railway station. तो अभी जो मैंने बस लिया था तो उन्होंने 10 रुपया लिया और मुझे ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को छोड़ा जो यहाँ से रात को 9:20 को छूटती है. सो आई विल जस्ट हैंग अराउंड हियर, उसके बाद मैं ट्रेन लेके नार लगुन पहुँच जाऊँगा और उसके बाद जीरो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट. थैंक्स अ लॉट.